मैं भेज रहा था तुम्हारे संजीव बैशियस व्लॉग। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मोडिशिका। अभी समय है सुबह के 4:10 और मैं तैयार हो गया जाने के लिए। मैंने अपना सेफ्टी शू पहन लिया है, ये हमारा सेफ्टी शू है। तो मैं रेडी बिल्कुल। आज रामपुरा के एआरटी आर्मी का मॉकड्रिल एक्सरसाइज है संगसारी में, वहाँ पे एनडीआरएफ वाले भी आएंगे और उनके साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे। तो फिलहाल बारिश भी हो रहा है बहुत, फिर भी मैं निकलता हूँ। सुबह 5 एआरटी कॉल है, एआरमी 5:30 कॉल है, मुझे एआरटी पकड़ना है और जाना है संगसारी। रेलवे वालों को पता होगा, जिनको पता नहीं है उनको बताता हूँ। एआरटी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एआरमी मतलब एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन, ये दोनों रेस्क्यू के लिए चलते हैं। जहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर रेलवे वाले के ये एआरटी और एआरमी हमेशा वहाँ पर पहुँचते हैं रेस्क्यू के लिए। और हमारे साथ होंगे एनडीआरएफ, जो संगसारी का फास्ट बीएन एनडीआरएफ है उनका। तो चलते हैं, मेरा बाइक रेडी है, बारिश भी हो रहा है बहुत, फिर भी चलते हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, दिखाते जाएंगे क्या क्या होता है। अभी समय है 4:30 और मैं पहुँच चुका रंगापड़ा स्टेशन में। गाड़ी खड़ी है, अपना एआरटी खड़ी है और मैं इस पर चढ़ूंगा। अभी हमें जाना है संगसारी। अभी छोड़ा अपना एआरटी रंगापड़ा से रंगिया, फिर संगसारी चलेंगे। एआरटी में और हमारे साथ है अनिल भाई, जो आज पेशेंट बनेंगे। उनसे जानते हैं कि उनको पेशेंट बनके कैसा लग रहा है। पेशेंट बनके किसी को कैसा लगता है, पेशेंट बनके किसी को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बनना पड़ेगा। ठीक है सोइए, आप पेशेंट बनना है, बहुत कष्ट का काम है। तो रंगिया स्टेशन पहुंच गए हम लोग। यहाँ हमारी गाड़ी थोड़ी देर रुकेगी क्योंकि इंजन को रिवर्स लेना है। इस स्टेशन में पहले काफ़ी भीड़ हुआ करता था, फिलहाल भीड़ कम है क्योंकि कोविड के वजह से बहुत सारा गाड़ियाँ नहीं चल रही है और कुछ कुछ जगहों में फुल लॉकडाउन दिया गया है, इसलिए भीड़ उतना नहीं है फिलहाल। सुबह से कुछ नहीं खाया तो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
सारी पहुंच गए हम लोग यहाँ। एनडीआरएफ वाले पहले ही आकर अपना डेरा जमा लिया है। तो फाइनली संगसारी पहुंच गए। हम सभी ने अपना अपना ड्रेस पहनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। हमारे रेलवे के नौजवानों रेडी है रेस्क्यू के लिए। यहाँ हमें एक लाइन से खड़े होने दिए गए हैं, एक तरफ रेलवे वाले, एक तरफ एनडीआरएफ वाले। अपने बैनर पोस्टर लिए कुछ फोटो सेशन किया जा रहा है। रेलवे वाले और एनडीआरएफ वाले जॉइंट मॉकड्रिल एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए। यही वो एक्सीडेंट वाला कोच है जिसके अंदर विक्टिम है, और उनको रेस्क्यू करेंगे एनडीआरएफ वाले और रेलवे वाले। Yo
यहाँ डॉक्टर्स विक्टिम को जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिसकी सांसें कम चल रही है उनको CPR दिया जा रहा है। और जिनकी हालत बहुत ही गंभीर है उनको एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। জুই নমাই যাব ফটাফট, এই বগা হয়ে যাব রে फाइनली हमारा काम खत्म हुआ, मॉक ड्रिल खत्म हुआ। अब हम
चलेंगे बैक टू होम यानी कि रंगापड़ा। ये हमारा किचन है जहाँ खाना बन रहा है। खाना लगभग तैयार है, हमें खाना है और हमें निकलना है यहाँ से। हमारी गाड़ी छोड़ दी है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर संगसारी से सीधे रंगिया होके रंगापड़ा। तो पहुंच गए हम लोग रामपुरा स्टेशन, अभी निकलते हैं सीधे जाएंगे घर। लाइसेंस तो बन गया। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और बारिश भी हो रहा है बहुत। और सबसे बड़ी बात, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, खासकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। जय हिंद।